यूरोपियन जो है ना टच भी आपको मिलेगा। जैसे अभी जिस स्ट्रीट पे मैं जा रहा हूँ ये आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में फुल ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपियन आर्किटेक्चर हो, और वैसे भी ये फ्रेंच ने बनाई थी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। नाइल रिवर का ये आप व्यू देख सकते हो, और इतने सारे लोग हैं जो भी यहाँ पे आता है ना, क्योंकि जगह थोड़ी छोटी है। लमिसर इंग्लिश जब यूर मुसन इंग्लिश यू नो ओके दिस यू व्हाट यू सेल इजिप्शियन सुपीरियर ओह इजिप्शियन सुपीरियर। अस्सलाम वालेकुम जी, और वेलकम बैक हमारे कंट्री नंबर 71 इजिप्ट में। मैं हूँ जी जीशान भाई के साथ वंस अगेन। ये थर्ड ट्रिप हमारा बन रहा है यार अफ्रीका का, वो भी अफ्रीका में वो भी अफ्रीका, और इस बार अगेन नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें हम लोग आए हुए इजिप्ट और आगे इंशाल्लाह जॉर्डन भी जाएंगे। और अफ्रीका ये जो इजिप्ट है ना, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैं ये कहूँगा। 5,000 साल की तारीख है इजिप्ट की, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। सफर वगैरह आपको दिखा चुका हूँ यहाँ की करेंसी वीजा के हवाले से, लेकिन अभी जो है आगे जाके गिज़ा पिरामिड्स यहाँ की जो सबसे मशहूर जगह है, उसके अलावा हिस्टोरिकल म्यूजियम्स है, और अभी हम ये कायरो सिटी में है तो ये भी आउटस्टैंडिंग सिटी मुझे लग रहा है। सर देखते हैं इधर तो बहुत कुछ करने के लिए, 4 दिनों में देखें क्या क्या हम ठीक है अच्छा रहेगा जबरदस्त रहेगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फूड वगैरह पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद तहरीर स्क्वायर जाते हैं, फिर म्यूजियम जाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, और हमारे साथ ये तो हम भूल गए थे पाकिस्तानी पॉडकास्टर नंबर 1 और हमारे पहले ट्रेवल पार्टनर, बहुत अरसे बाद नईम सिकंदर भाई, वेलकम टू द शो ब्रो, वेलकम बैक। सुबह का हमारा सबसे पहला अट्रैक्शन है ये रेस्टोरेंट अल कज़ाज़। खाने के लिए तलाश जारी है, सुबह सुबह कुछ नाश्ता करना चाहते हैं, लेकिन ये तो सारे बर्गर्स है भाईजान, चावल भी हैं, चावल गोश्त। लेट्स फाइंड समथिंग, ये देखिए जी। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू सेलिंग शवरमा? शवरमा भी है और सारी चीज़ें, चावल वगैरह अवेलेबल हैं। ये शवरमा है जी 50 पाउंड का, यानी कि $1.5 का शवरमा है ये सामने, बड़ी मुश्किल से मिला है यार। अभी हम लोग फूड की तलाश में है, लेकिन फिलहाल तो यही मिला है, इस पे गुजारा करते फिर आगे बढ़ते। ये स्ट्रीट है आप देख सकते हो कायरो सिटी। कायरो सिटी का हसल एंड बसल भाईजान आपको दिखाते हुए लाइव, हमारे दो वॉरियर जा रहे हैं आगे और हम इनके पीछे हैं। इनको पहचानो, ये है कौन? ये दुबई का डॉन और ये इस्लामाबाद का डॉन, और इस वक्त ये आए हुए इजिप्ट को पता करने। 5,000 साल पहले इजिप्ट पे जो है ना फिरौन की हुकूमत थी, और अभी जदीद फिरौन रीगेन करने हैं कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। स्पेशल शाउट आउट टू इमरान नौशाद एंड उमर सलीम। ऐसा लगता है जैसे हम किसी यूरोपियन कंट्री में चल रहे हो, पेरिस में या लेकिन 100 साल पीछे कर गए। 100 साल पीछे कर गए, आप देख सकते हो, देखो ये बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर लगता है, सीरियसली। ये हम पहुंचे हैं दोस्तों अभी तहरीर स्क्वायर, ये देख ले, ये तहरीर स्क्वायर है जहां पे रेवोल्यूशन आई थी 2011 में, और एक बहुत मशहूर अट्रैक्शन है कायरो सिटी के अंदर। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है आमने सामने, आप देख सकते हो ये तहरीर स्क्वायर,
और चारों तरफ ये ट्रैफिक रवान दवा है कायरो सिटी के अंदर। वेदर आज बहुत ज़बरदस्त है, मई का मंथ है लेकिन ये कि वेदर अमेजिंग है। ये आप देख लो, फूलों से सजाया हुआ है तहरीर स्क्वायर को। अभी हम लोग जीशान भाई के साथ आए हैं कायरो म्यूज़ियम में, जो यहाँ का सबसे मस्ट टू सी अट्रैक्शन है, जिसमें इजिप्शियन हिस्ट्री मिलेगी आपको। और ये टिकट जो है 200 इजिप्शियन पाउंड का है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 200 का है जी, विजिटर के लिए, स्टूडेंट के लिए 100 का है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, अच्छा फोटोग्राफी विद मोबाइल फ़ोन इज़ फ्री ऑफ चार्ज। तो फिर पैसे किस चीज़ के लगेंगे? गोप्रो के। गोप्रो को मैं एक काम करता हूँ, इसको छुपा लेता हूँ। ये लाइन लगी हुई आप देख सकते हो लोगों की, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है भाई। ये है, अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर इसमें क्या है जो इतने लोग यहाँ पे जमा है और कतार बना के खड़े हैं। ये जी इजिप्शियन म्यूज़ियम का टिकट मिल गया 200 पाउंड का, $6 आप कह सकते हो। ये मम्मी की तस्वीर ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है और ये है म्यूज़ियम। अभी अंदर जाएंगे, एक आइकॉनिक बिल्डिंग है यार, देख लो इतनी बड़ी और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है ये। हमारे लोग भी आ रहे हैं। ये वाई बिल्डिंग के बाहर इन्होंने ये मम्मी रखी हुई है ताकि लोगों का को वेलकम करें। और उसके बाद ये है जी म्यूज़ियम की एंट्री, और लोगों का रश देखो। अच्छा यार, ये इजिप्शियन म्यूज़ियम जो है ना, ये 120 साल पहले बनाया गया था और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा म्यूज़ियम है अफ्रीका के अंदर, और एक बेहतरीन जो है ना ये आर्ट वर्क समझा जाता है। 1,20,000 इसमें स्टैचूज वगैरह रखे गए हैं। अभी अभी आपको वन बाई वन दिखाएंगे ये सब। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग इजिप्शियन म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो ये स्टैचूज, और ये तकरीबन मल्टीपल स्टोरीज़ है, 1, 2, 3 तो मुझे नज़र आ रहे हैं। ये तारीखी पत्थर रखे गए हैं, तारीखी ताबूत जो मिस्री बादशाहों की कब्रें होती थी। ये देखिए स्टैचू मम्मी की, ये कब्रें है दोस्तों उस ज़माने में जैसे लोगों को रखा जाता था। Look at these things guys, amazing. 1,20,000 historical कदीम अशिया है इस म्यूज़ियम के अंदर। सो ये मुझे रिमाइंड कर रहा है बिल्कुल जैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम है ना UK में, उसकी याद दिला रहा है। लेकिन ये उससे बहुत बेहतर है क्योंकि ये तो इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में है, और इजिप्ट की हिस्ट्री, अगर इजिप्ट की हिस्ट्री आप एक्सप्लोर नहीं करते तो समझो कि आपने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। इजिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से। और फाइनली हमारी भी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है कि हम भी इजिप्ट के अंदर आज घूम रहे हैं। इंफॉर्मेशन भी दी गई है जगह जगह पे कि ये किस टाइम की चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे 3332 BC से लेकर 364 AD तक, यानी अराउंड आप कह सकते हो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2000 साल पुराने ये स्टैचूज हैं, और आर्ट्स है और एंटिक्स है, ये बेसिकली एंटिक्स म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम का सेकंड फ्लोर है, यहाँ भी काफ़ी मामला चल रहे हैं, रश देखिए रश लोगों का। ये एक और मम्मी यहाँ पे जो है आराम फरमा रही है, ये तो किंग लग रहा है ये। और ये भी कोई चीज़ है, ये एक और सेक्शन है म्यूज़ियम का, ये आप देख सकते हो जी, ये उस टाइम के ताबूत है आप कह सकते हो, जिस तरह के उस ज़माने की कल्चर के हिसाब से जो एनिशेंट इजिप्ट है। ये यहाँ पे इन्होंने सैकड़ों जो है इस तरह के ये ताबूत रखे हुए, मतलब मोस्टली बादशाहों का ये। भाई जान अगर हिस्ट्री देखने हो ना तो इस म्यूज़ियम में आ जाओ।
दोस्तों इजिप्शियन म्यूज़ियम मैंने यहाँ कायरो में विज़िट कर लिया है, बहुत मज़ा आया है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है। आप देख सकते हो ये बड़े बड़े स्टेचूज भी बने हुए हैं। एंटीक्स जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर, और ये आप कह लो कि इजिप्ट या कायरो के अंदर मेन जगह है। 2 से 3 घंटे चाहिए होंगे कम अज़ कम इसको फुली एक्सप्लोर करने के लिए। और इजिप्ट की तारीख की जितनी भी चीज़ें हैं आप छोटे से छोटे चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ को देख लो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ख़जाने हो, फिरौन की चीज़ें हो, या दूसरी जो ममीज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो, वो सारी यहाँ पर इस म्यूज़ियम में आपको मिलेंगी, इजिप्शियन म्यूज़ियम में। तो विज़िट करें, अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह अभी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग जाएंगे। रश भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो गोरेट टूरिस्ट इस म्यूज़ियम के अंदर। भाई यहाँ पर इस म्यूज़ियम में ना मैंने ओरिजिनल मम्मी भी देखी है, बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा जी, ये म्यूज़ियम से बिल्कुल बाहर निकल के इन्होंने मार्केट बनाई है सुवीनियर्स के हवाले से, और वो चीज़ें जो अंदर है उसी के जो है ना कॉपीज़ बना के यहाँ पे सेल कर रहे हैं टूरिस्ट को। तो बड़ा अच्छा बिज़नेस बनाया हुआ है यार, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन बिज़नेस है। कि इनके ड्रेसेस ये देखो, वही स्टैचूज यहाँ पे छोटे शक्ल में मौजूद हैं, बाय करके अपने साथ लेकर जा सकते हो अपने अपने कंट्रीज़ में। दलते मम्मी उधर वाले थे यार, देखो बेखी तबाह था। हेलो, हेलो माय फ्रेंड, डू यू हैव अवोकाडो जूस एज़ वेल? अवोकाडो हेलो वल्लाह वल्लाह। दोस्तों कायरो में म्यूज़ियम से बाहर आए हैं तो वही सिटी की वाइब्स दोबारा से, और यहाँ पे यार चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, ये हमने देखा है एक जूस की दुकान है। ये फ्रूट देखो, ये इनका लोकल फ्रूट है, बहुत ही टेस्टी है यार। अभी मैंने ये अमरूद चेक किया है, ये अमरूद मेरे ख्याल से आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखा। भाई कह रहे दुबई में है लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे अमरूद नहीं है। अच्छा, और ये अवोकाडो जो है ना, अवोकाडो यहाँ बिल्कुल कॉमन होता है, जैसे हम लोग मोरक्को में गए थे ना तो उसी तरह यहाँ भी अवोकाडो बिल्कुल कॉमन है। अभी हमने जूस का ऑर्डर दिया है अवोकाडो के, छोटा सा कैफे है और इसमें जो है हम लोग अवोकाडो का जूस पीने के बाद जो है चलेंगे। अवोकाडो हाउ मच? 40 for 1। ओके, 40 का अवोकाडो का एक जूस है। ओके, यानी कि अगर 40 का है तो $1.10 का या 20 सेंट का एक गिलास अवोकाडो का जूस। ये जूस आप देख सकते हो, ये जूस है। इधर भी वही गेम है सर, जो अर्जेंटाइन में और लेबनान का था ना गेम, हमने एयरपोर्ट पे जो रेट चेंज स्टेज करवाया था कितने ज़्यादा दे रहा। हाँ, पब्लिक पता है। अच्छा दोस्तों, कायरो एक बहुत बड़ा सिटी है, 10 मिलियन इसकी आबादी है, और फर्स्ट इम्प्रेशन में तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एक मिक्सचर आपको मिलता है यहाँ पे, जैसे यूरोपियन जो है ना टच भी आपको मिलेगा। जैसे अभी जिस स्ट्रीट पे मैं जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में, फुल ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपियन आर्किटेक्चर हो, और वैसे भी ये फ्रेंच ने बनाई थी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा यार बिल्कुल पाकिस्तान लगता है ये जो कायरो है ना, आपको ट्रैफिक का निज़ाम हो गया, लोगों का जो बिहेवियर हो गया, और द कंपेल वगैरह यहाँ पे भी आपको हर जगह पे नज़र आएगी। लोग भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ना ज़्यादा जो है लिबरल है, और हर चीज़ मिल जाती है और चीप भी है, चीज़ें बहुत कम रेट पे मिल रही है। अगर जैसे अवोकाडो का एक जूस हम पी रहे थे ना तो $1 में आराम से मिल गया था।
तो ये चूँकि इजिप्ट जो है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है, राइट। तो इसमें आपको ना अफ्रीकन, अरब और ये यूरोपियन ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये मिलेंगी लोगों में, खाने में और इलाकों वगैरह में। भाई ये आज के दिन का दूसरा शवारमा है जो हम खा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत चीप है, सिर्फ $1 का शवारमा है। एक लोकल रेस्टोरेंट है सिटी सेंटर के अंदर और मज़े कर रहे हैं, शवारमे ही शवारमे हैं यहाँ इजिप्ट में। अच्छा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे उबर हमने करी थी और 10-15 मिनट हमने जो है ना ड्राइव किया है सिर्फ $1 में, 30 यहाँ के पाउंड में। तो उबर बेस्ट है कायरो के अंदर यूज़ करने के लिए, चीपेस्ट सवारी है। उबर इंस्टॉल करो और मंगाओ। अभी एक और एट्रैक्शन है वहाँ पे हम जा रहे हैं, इसका नाम है कायरो टावर। दोस्तों ये है कायरो टावर और इसका टिकट जो है 225 पाउंड का है, यानी तकरीबन आप कह सकते हो कि $7 का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उससे भी महंगा है जो वो था ना, क्या कहते हैं, जो म्यूज़ियम था। लेकिन देखना होगा कि क्या व्यू है इससे, क्योंकि इससे सिटी का बड़ा अच्छा लोग कहते हैं व्यू आता है और एक लैंडमार्क है, यानी कि आप कह सकते हो। तो अभी हमारे नंबर आने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, तो तब तक हम तस्वीरें ले लेते हैं। दोस्तों ये ऊपर आए हैं 62 मंजिल पे हम कायरो टावर के, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरी सिटी के नज़ारे, पानोरामा व्यू, चारों तरफ से आपको पूरा शहर नज़र आएगा। अभी शाम हो गई है, सनसेट भी हमारे सामने हुई है और वाकई में यार लिटरली मज़ा आया है, लिटरली पैसे सारे यहाँ पे वसूल हो जाते हैं जब आप यहाँ आते हो। नाइल रिवर का ये आप व्यू देख सकते हो और इतने सारे लोग हैं जो भी यहाँ पर आता है ना, क्योंकि जगह थोड़ी छोटी है, लिफ्ट आती है ऊपर, थोड़ा वेट करना पड़ता है 30-40 मिनट, लेकिन लोग जब आते हैं ना तो वापस जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक तो मौसम बड़ा नाइस है, दूसरा आप ये नीचे देखिए यार, अगर यहाँ से बंदा छलांग मारे ना तो सीधा ही ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। 62,000 में फ्लोर पर चला जाता है ये आप समझो यहाँ का बुर्ज खलीफा है भाई। हाँ भी ऊँचे जी जी, कायरो आए तो ज़रूर ये बुर्ज खलीफा पे आना है आपको। ये इनकी लक का साइन है, पूछा था नहीं यार। भाई शाम का टाइम है और हम लोग अभी कायरो में एक लोकल ट्रेडिशनल मार्केट आए हैं। और नमस्ते नमस्ते सस्ते मस्ते ही नहीं मंगाए मेबी समथिंग लाइक हियर माय स्टोर वेयर आई मेक फ्रिज मार्केट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ट्रेडिशनल शॉप्स और स्टॉल्स, ये ज्वेलरी है जनाब, हैंडीक्राफ्ट्स है, इनके लोकल प्रोडक्ट्स
बाद वहदा आखिर वहदा ली मोरक्को की याद आ गई मोरक्को की भाईजान ये मोरक्को की याद आ गई मसालों की दुकान है और वाह जी वाह जी वाह वो कहते हैं ना मिस्र के बाजारों में हुसन बिकता है मिस्र के बाजारों में हुसन मिलता है वो एक जुमला कहते हैं शायर ये है वो बाजार मिस्र के जो आपने किताबों में सुना है फिल्मों में सुना है ये बाजार है वो वाह जी वाह किस जबरदस्त तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है और क्लीनलेस बहुत साफ सुथरा बाजार ज्वेलरी की शॉप और एक बंदा आपको दिखाता हूँ ये लोकल कबीला है ये मोरक्को में भी था और यहाँ भी है ये देखे बहुत नाइस व्यूज इस मार्केट का नाम है खान हलीली और ये हम लोग टैक्सी करके यहाँ पे आए हैं शाम का टाइम है और शाम को ये ज़्यादा रौनक वाली मार्केट लगती है हमें याद आई है ना वो मोरक्को की मोरक्को का हर शहर का बाज़ार इसी तरह जो है सजा हुआ होता था ख़ास तौर पे शाम में जिस शहर में हम गए हैं मोरक्को के अंदर और यहाँ पे ये पहला बाज़ार है कायरो का खान हलीली अगर कोई आप में से आता है ना मिस्र तो मिस्र का ये बाज़ार जो है आप मिस ना करें यस फखेर बे मिस्र इंग्लिश जब यूर मुसन इंग्लिश यू नो ओके दिस यू व्हाट यू सेल Egyptian souvenir. Oh, Egyptian souvenir. Okay. History. How much is the price, this one, this thing, you know? The small ones and big ones, how much? No, I don't know. Like, this one, how much? 50 Egyptian pounds. 50, only 50. Yes, oh, 50. Acha, 50 ka hai. And this big one, how much? The big one like this, maybe 350 and the 500 pounds. And the small, medium? The medium 250. 200. Yes. What is your name? Ali. Ali. Yes. And your shop name? Golden Pyramids. Golden? Pyramids. Pyramids. Yes. Okay, thank you. I show you on my YouTube, okay? Okay, you welcome anytime. Thank you so much. Thank you so much, guys. Ye dekhiye na, is tarah ki ye souvenirs bech rahe hain. और बड़ा मज़े का मज़े की बाज़ार है लोग भी बहुत फ्रेंडली है मस्त से ये मुख्तलिफ़ स्ट्रीट्स है और गलियां हैं इस बाज़ार के अंदर तो घंटों घंटों वॉक कर सकते हैं मौसम भी बहुत ही कूल है आज दोस्तों इनसे मैंने ये लिया है हेट 130 का यानी कि $4 का व्हाट इज़ योर नेम हातिम Hatim bhai, I buy from you this one, 130, thank you very much. Welcome. This same rate for everyone. Yes. This is same rate. Same size, same price. Same price, same size, okay. And what is the price for this painting? 120. Yaar, ye itna khubsurat. Can you give me, show me one, show me. Itne khubsurat paintings hai. Usi, oh, mere dost ne bhi buy kar liya bhai. 130 ka, $4 ka head. Aaj ke baad hum is head ke andar jo hai. घूमेंगे फिरेंगे रियल टूरिस्ट बनेंगे ठीक है ये भाई का जो है ना ये रियल पेंटिंग है वही जो इजिप्शियन म्यूजियम में दिखाए थे उसी तरह के ये आर्ट्स है और बड़े भी हैं छोटे भी हैं और बहुत चीप रेट्स है मतलब ये कि बहुत सारे कंट्रीज में आप जाते हो ना तो आपको बड़ा एक्सपेंसिव मिलता है ये सुविनियर्स वगैरह और इस तरह की पेंटिंग और ये लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इस मार्केट में जो है ना मज़ा आ गया यार शॉपिंग का भी इवन आप
दोस्तों बाजार से सीधा हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त और हाई एंड रेस्टोरेंट लग रहा है। और हमने वंस अगेन शवरमा, ये तीसरा शवरमा है आज के दिन, तीन महीने राइस के साथ जो है शवरमा मंगाया है, बहुत रश है, लेकिन प्राइस वंस अगेन बिल्कुल नॉर्मल है, इतने महंगे नहीं है। और इजिप्ट फूड के हवाले से अभी तक हमें इतना ज़्यादा समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शवरमे ही खा रहे हैं हम लोग। खाने के बाद अपडेट करते हैं आप। यार इजिप्ट में आज पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है, बिल्कुल दूसरा पाकिस्तान लगा है ये इजिप्ट। यहाँ के जो रश और जो लोग हारन मारते हैं और जो बिल्कुल जो है ख्याल नहीं रखते, लेकिन लोग जनरली फ्रेंडली हैं। हमने करीब करीब में जो मशहूर जगहें थी उनको विज़िट किया। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है, समझ आई है, वो ये कि ये काफ़ी चीप कंट्री है। ऑल्दो के पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, उसी तरह इजिप्ट में भी महंगाई हुई है, लेकिन फिर भी हमें ये चीप लगा है डॉलर टर्म्स में। हो सकता है कि पहले दो साल पहले, तीन साल पहले ये उससे भी, इससे भी ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन अभी जो है ये हमें काफ़ी चीप लगा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए, नई चीज़ थी। और इंशाल्लाह कल हम जो है ना मज़ीद इलाकों को विज़िट करने वाले हैं, स्पेशली जो गिज़ा पिरामिड्स हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल।